नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। बिहार में कांग्रेस नेता लक्ष्मण कुमार झा ने सुपौल के महावीर चौक पर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। वही पुतला दहन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए लक्ष्मण कुमार झा ने बताया कि आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, युवा पलायन कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सुशासन बाबू के राज में मानव श्रृंखला के रूप में अरबों खरबों खर्च किए जाते हैं। अगर उस पैसे से एक बड़ा प्लांट खोल दी जाती तो कितने बेरोजगार युवा को रोजगार मिल जाता। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। नीतीश जी मोदी जी का आज हम लोग नीतीश जी और मोदी जी का जो पुतला दहन कर रहे हैं, हम लोग का मुख्य मांग है युवा आज दर दर की ठोकर खा रहा है रोजगार के लिए। युवा की रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही है, आज मजदूर पलायन कर रही है, उस पर रोक नहीं लग रही है, किसान की दिनों दिन स्थिति गिरती जा रही है, माँ बहनों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, शिक्षा व्यवस्था दिनों दिन गिरती जा रही है। और नीतीश जी जो है सुशासन बाबू अपने आप को कहते हैं और यात्रा पर यात्रा निकालते हैं और उनका जो योजना धरातल पर लूट की योजना होते हैं वही योजना पारित करते हैं। आज वो मानव श्रृंखला के नाम पर कई करोड़ का लूट किए हैं। आज अगर उसी रुपये का कोई कारखाना उद्योग लगा देते तो आज युवाओं को रोजगार मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। और उसी तर्ज पर मोदी जी ने हमेशा मुद्दाभिन मामले खड़ा कर देते हैं देश में और देश के देशवासियों को भटकाने का काम करते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ अविलंब मोदी जी से और नीतीश जी से इस सारे बातों पर ध्यान दी जाए, अन्यथा आप दोनों के खिलाफ हमारी आंदोलन जारी रहेगी। जब तक युवा को रोजगार नहीं मिलेगी, माँ बहनों को सम्मान नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं होगी और इसी तरह के सारे मामले मेरे जब तक मांग पूरी नहीं होगी हमारी आंदोलन जारी रहेगी। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण कुमार झा, कांग्रेस नेता।